गोलीकांड के मास्टरमाइंड बाबू सिंधी की गिरफ्तारी के बाद आईजी संतोष कुमार सिंह पहुंचे नीमच। आईजी बोले, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, जल्द होगा पूरा खुलासा। 4 फरवरी रविवार को समाज सेवी अशोक अरोरा के ऊपर प्राण घातक हमले के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड जय सबनानी उर्फ बाबू सिंधी को गिरफ्तार कर लिया था। गोलीकांड के इस मामले की गूंज नीमच से लेकर भोपाल तक पहुंची। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड को लेकर शुक्रवार को उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार सिंह नीमच पहुंचे और उन्होंने एसपी अमित तोलानी से पूरे घटनाक्रम में जारी जांच पड़ताल और इसमें शामिल सभी अपराधियों से की गई पूछताछ की विस्तार से जानकारी ली। आईजी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस ने 2-3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में अलग अलग टीमें भी लगाई गई हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसमें और भी खुलासे किए जाएंगे। इससे पूर्व आईजी संतोष कुमार सिंह ने कलेक्टर दिनेश जैन, एडीएम नेहा मीणा और एसपी अमित तोलानी सहित नारकोटिक्स अधिकारी से भी चर्चा की। आपको बता दें कि गोलीकांड मामले में पुलिस ने आज बाबू सिंधी उर्फ जय सबनानी को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने बाबू सिंधी का 12 फरवरी तक पुलिस रिमांड मंजूर किया है। नीमच आया था और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देखने के अलावा अभी 4 तारीख को यहाँ घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक प्राण घातक हमले का अटेम्प्ट किया गया था और उसमें जो अपराधी था उसमें से एक व्यक्ति मौके पर मारा भी गया था क्रॉस फायरिंग में। तो उस घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने अभी जो है 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई की जो उसके लिए टीमें लगी हुई हैं। मैंने अभी टेक्निकली जो पुलिस ने पूरा काम किया है और जो सारी लिखा पढ़ी की है, कैसे हमारी टीमें काम कर रही हैं, सारी चीज़ों को देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो शामिल अन्य लोग हैं उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। नॉर्मली सामान्य कार्य अन्य जो हमारे होते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जो काम है कई तरह के जो रहते हैं, उसके अलावा अपने लोगों से जो हमारे अधीनस्थ अधिकारीगण हैं जो काम करते हैं, थाना प्रभारी हैं या कोई अन्य अधिकारी, उनसे जो बातचीत की है, उनकी कुछ बातें, कुछ अपनी उनकी भी बातें रहती हैं, जो कहना चाहते हैं, कुछ उनकी समस्याएं रहती हैं, उसको भी सुनते हैं। देखिए, आपराधिक घटना है जिसको करने का प्रयास किया गया, परिणाम आपको पता ही है। तो उसमें जैसा आपने कहा कि अभी 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो आपको पता ही है कि इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, अगले बहुत जल्द 6 दिनों में ही हम जितने भी अपराधी इन्वॉल्व हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उनको हम पकड़ेंगे और फिर जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो कोई भी हों, उन पर बड़ी प्रभावी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी।